क्या करूं मैं तेरा, मार मार कर थक गया हूं, एक काम ढंग से नहीं करता। ये इन्होंने आज तक एक टारगेट तक पूरा नहीं किया है। बॉस अब ऐसी भी बात नहीं है, मैं कोशिश तो करता हूँ ना। अबे तू शैतान है, तेरे पास सब पावर्स हैं सब लोगों से गलत काम करवाने की, उसके बाद भी ये हाल है। अभी कल से रमजान स्टार्ट हो जाएगा, एक महीने के लिए छुट्टियां एंजॉय करने लग जाओगे, चिल मारोगे। सही कह रहे हैं आप बॉस, ये एम ही चिल करता है, सारा काम हम लोग करते हैं। मुझे तो लगता है कि इसको शैतानों से ज्यादा इंसान पसंद है। अच्छा बॉस सॉरी ना, देखिए बॉस मैं अभी रमजानों की छुट्टियों में जाऊंगा ना, ईद से आते ही डबल मेहनत करूंगा, डबल काम करूंगा, मतलब प्रोग्रेस करके दिखाऊंगा। बस मुझे ये बताएं बॉस, ये रमजानों में हम लोग कहाँ जा रहे हैं छुट्टियों पे, थाईलैंड या एम्स्टर्डम? बहुत बगैरत है। सही कह रहा था, ये तुझे सिर्फ बैठ कर चिल करना, लुक बिजी डू नथिंग। खैर हम तो कल जा रहे हैं, लेकिन अब तेरी सजा ये है कि तू पूरा रमजान इंसानों के बीच रहेगा, वो भी इंसान बनके, उनकी नेकियों के बोझ तले। और जब पूरा रमजान उनको अच्छा काम करता देखेगा ना, तब आएगा मजा। नहीं नहीं बॉस, शैतान इंसान कैसे बन सकता है, वो भी रमजान में? नॉट पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शैतान लॉ, अगर कोई शैतान अपना काम ठीक से ना कर सके तो उसको सजा देने के लिए एक महीने तक इंसान बना सकते हैं, ताकि वो इंसानों में रहकर जब शैतानी हरकत ना कर सके तो यही उसका टॉर्चर है। अरे बॉस बॉस, मुझे इंसान नहीं बनना, मुझे नहीं बनना सर, मुझे नहीं बनना बॉस, बॉस मुझे। बॉस बॉस मेरे सीन गंगा, बॉस मेरा गेटअप क्यों चेंज हो गया? बॉस मुझे इंसानों में नहीं जाना, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं इंसान बनना बॉस, मुझे नहीं बनना। अब एक महीने बाद इसकी अकल ठिकाने आएगी, सारा ब्लड प्रेशर लो कर दिया मेरा। अरे बॉस आप ठंडे ना हो, मैं अभी आपके लिए आग का शरबत लेके आता हूँ। अबे बस कर भाई, तू थकता नहीं उठा उठा के। वैसे बॉस इस दफा कहाँ का प्लान है, आइलैंड या एम्स्टर्डम? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। चले चले चले। तुम दोनों कहाँ गए थे? मैं थाईलैंड, और आप? मुझे तो बॉस एम्स्टर्डम लेके गए थे। छुट्टियां भी बॉस के साथ थकते नहीं हो उठा उठा के? बेटा अभी काम देता हूँ तुम दोनों को। छोड़ो काम वगैरह यार, पहला दिन है, चिल करने दो सबको। चलो चिल करो चिल करो। काल काल जुल्फों के फंदे न डालो। बॉस वैसे वो इब्लीस नंबर 420 को ही बुला लें, एक महीने से इंसानों के बीच में, अब तक तो उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। अरे हाँ उसको तो मैं भूल ही गया था, अभी बुला लेते हैं। चले सारे जल्दी मोबाइल निकल। शिट यार बॉस क्यों बुला लिया मुझे, अच्छा खासा आईफोन 14 प्रो हाथ से निकल गया। बेटा हल्के में, जरा हल्के में, महीना पूरा हो गया ना तेरा, अब बता आया मजा इंसान बनके और इंसानों में रह के? ओहो ऐसा वैसा मजा? बॉस ये सब तो नाम के इंसान हैं, इनकी हरकतें बहुत आगे की हैं, मैं तो हैरान हो गया देख के। क्यों बे ऐसा क्या हो गया? बॉस जिस दिन आपने मुझे इंसान बना के भेजा था उस दिन। बॉस मेरी नजर एक भिखारी पे पड़ी जिसका एक हाथ नहीं था, सब उसको पैसे दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वो चला गया, मैंने उसका पीछा करा और फिर एकदम से उसका हाथ आ गया और वो मजे से पैसे गिनने लगा। मैंने दूर से उसको सलूट मारा कि वाह उस्ताद, इंसानों में रह के शैतानों वाला काम तो ये कर रहा है, लोगों को उल्लू बना के हराम खा रहा है। फिर उससे दोस्ती करके अगले दिन मैं भी साथ बैठ गया और मैंने भी सही पैसे बनाए बॉस। अरे बॉस झूठ बोल रहा है ये, रमजान तो नेकियां कमाने का महीना होता है, जब भी तो हमें बंद किया जाता है, ये तो सब कुछ उल्टा बता रहा है। बेटा मैं भी यही समझता था और हम सब गलत समझते थे, ये जो इंसान है ना ये शैतानों से भी आगे निकल गए, हर कोई दो नंबरी और गलत काम में मुलव्वस हो गया है। हाँ तो पूरा साल इतनी मेहनत करते हैं उन पर, थोड़ा तो असर रहेगा ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
बॉस ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, मैंने अपनी आंखों से पुलिस वाले जो कि इंसानों के महाफिज होते हैं उनको लूट मार मचाते हुए देखा है, और सारे इंसान जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए। मैं तो खुद परेशान हो गया था बॉस कि जब सारे शैतान बंद हैं तो ये हरकतें क्यों कर रहे हैं। और सबसे अच्छा कारोबार तो मोबाइल स्नैचिंग है, 15-15 हज़ार रुपये के मोबाइल के लिए एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। अच्छा खासा मैं भी आईफोन छीन रहा था, आपने बुला लिया। अच्छा चल बस बॉस सुन ली तेरी कहानी, तुझे इंसान बनाने का मकसद ये था कि तेरी अकल ठिकाने पर आए और तुझे अच्छा सबक सिखाया जाए। बॉस सबक का तो पता नहीं लेकिन अकल मेरी वाकई ठिकाने पे आ गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शैतान कौन है। शैतान कौन? अबे क्या बोल रहा, पागल हो गया क्या? शैतान हमें और कौन है? बॉस हम शैतान है भाई। नहीं जानी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, इंसान शैतानी कामों में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। सच्ची बात तो यह है हमें अपना गेम अप करने की जरूरत है। बॉस आप इसको वापस शैतान बनाएं। ओ नहीं नहीं भाई, मुझे वापस शैतान नहीं बनना, मुझे बॉस इंसानों में ही रहना है। मेहनत कम है, अय्याशी ज्यादा है, फायदे भी बहुत ज्यादा है। बेटा यह मत भूल कि तू एक महीने का इंसान था। बॉस यार मैं कोई काम वाम नहीं करूंगा, मुझे नहीं बनाना शैतान। मेरी माने तो आप भी काम छोड़ दें और चिल करें, वो इंसानों को शैतानों की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को वैसे ही मारने काटने में लगे हुए। शट अप, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। यार बॉस आप एक काम करें, सॉरी बॉस आप एक काम करें, मुझे एक महीने के लिए इंसान बना दें, मैं खुद ये सब देख के ना वेरीफाई करता हूँ कि ये सच बोल रहा है या झूठ। नहीं नहीं बॉस आप मुझे इंसान बना दें। नहीं नहीं बॉस मैं बन जाता हूँ, ये शैतानी सही है। भाई मैं बनूंगा यार इंसान, तुम दोनों अभी छोटे हो। बॉस मुझे बनाएं। बॉस बॉस मुझे नहीं बनना शैतान यार। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम सब लोगों को इंसान बनने की पड़ी है, अपना मकसद मत भूलो। अगर तुम सब लोग इंसान बन गए तो फिर शैतान कौन, कौन रहेगा शैतान? भूल गए इतनी सदियों का साथ और इतना लंबा सफर। बेटा तुझे तो ना मैं अभी के अभी शैतान बनाता हूँ। यार क्यों बना दिया मुझे फिर से शैतान? मैं झूठ नहीं बोल रहा था बॉस, सब कुछ सच था। इसी चीज को देखने के लिए अब मैं खुद एक महीने तक इंसान बन के रहूंगा, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये तुम सब लोगों का बॉस होगा। वाह उस्ताद वाह, ये तो सीधा सीधा हरामीपन है। खुद आपको इंसान बनने का शौक है इसलिए हम लोगों को इमोशनल करके इतना लंबा लेक्चर दिया ना। आप लोगों को वीडियो तो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, सही है, लेकिन शर्म आई तुम लोगों को? नहीं आई शर्म, जरा सी भी शर्म नहीं आई? अबे हमारी जॉब खत्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो इंसान तुम लोग? खैर मैं आ रहा हूँ इंसान बन। बॉस मुझे इंसान बनूंगा यार, मैं इंसान बनूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मुझे बनना है इंसान भाई। बॉस मैं चलना जाना गंजे शैतान, मैं बनूंगा इंसान। बस मैं तू कौन है? शैतान नुमा इंसानों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। अच्छा भाई वो आखिर में हम जरा वो कर दें फिर? जी जी बॉस करें। चलो भाई। अच्छा चलता हूँ गुनाहों में याद रखना फिर।